पर ये क्या खटे खटे लगते हैं। हरियाली अमावस के पावन अवसर पर हुकुम गणिकमा आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। हरियाली के पवित्रता और प्रकृति को देखते हुए आज फल खाने को मिला। क्या फल है? ये उसको क्या बोलते हैं? गायरा। गायरा है ना? हाँ। इनका स्वाद बहुत अच्छा है। खटे खटे लगते हैं। बहुत अच्छा है। ऐसा खाना चाहिए अपन को भी। डोयरा आयुर्वेदिक औषधि। डोयरे बेस्ट दार होते दवाई। हरियाली अमावस के पावन अवसर पर बहुत बहुत हरियाली की प्रकृति को देखते हुए हार्दिक बधाइयां हो बधाइयां वगैरह खाना। हेलो, वेलकम टू जय हो। चलते हैं आगे। अब अगले भाग में मोर पंख। क्या क्या बजती है यार। देखो, कहते हैं कि जो प्रकृति और की ओर से व्यवहार करोगे तो हर चीज देखने को मिलेगी, अगर व्यवहार नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगी। हरियाली अमावस के पावन अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली अमावस की बहुत बहुत हार्दिक। आयुर्वेदिक औषधि गेंगजी। गेंगजी गेंग सी बहुत मजबूत होते हैं ये गेंग। अड़ुआ 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 ये खांसी के लिए काम आता नहीं? खांसी के लिए ऐसा कुछ गर्म करके वो करते हैं, थोड़ा थोड़ा अंदाज़ है। बहुत बहुत बधाइयां हो हरियाली अमावस के पावन अवसर पर। गेंग जी के बीच आयुर्वेदिक औषधि। हम तो प्रेम हरियाली से करते हैं। चा फेरनिया नाम है उसका। मोर पंख जय हो हरियाली अमावस्या की। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मोर पंख
भरा हुआ, ऐसा देखो द्वार का भरा हुआ, बड़े बड़े, लेकिन ऐसी हरियाली हमारे में नहीं है। ये है अशोक, उदयपुर में अशोक है। सही बात, पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ के बीच में।